हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। यदि मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले। बैंक निफ्टी की कल फर्स्ट वेडनेसडे को एक्सपायरी होने वाली है और यहाँ पर देखेंगे डेली कैंडल में तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रही है। अगर ये 44,670-665 के ऊपर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 45,000 के ऊपर क्लोज करेगा। बट मार्केट हमारे लेवल को क्रॉस नहीं किया और यहां पर थोड़ा सा डाउनसाइड का मूव देखने के लिए मिला। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे, हम लोग क्लियरली पता चलेगा कल कहां पे बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अभी यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में जहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। इसके ऊपर अगर ये 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती, 665-670 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके ये इस तरीके से ब्रेक कर जाती तो फिर 45,000 तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता। बट इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला और कल जहाँ तक लो लगाया था उसी पॉइंट तक आ गया 400 का हमारा सेलिंग पॉइंट था। अगर ये 400 के नीचे भी इस तरीके से प्राइस पैटर्न बना करके ब्रेक डाउन करती तो फिर 44,000 हम लोग का टारगेट हो जाता। अभी यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर 44,400 से लेकर के 44,650-670 ये लेवल थोड़ा सा क्रिटिकल जोन होने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट के लिए कंसोलिडेशन जोन होने वाला है। ये 250 का पॉइंट है, लगभग 250 पॉइंट का रेंज है। अगर मार्केट इसी रेंज में अप एंड डाउन करता है तो कल एक्सपायरी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है, कल प्रीमियम जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या प्राइस, क्या हमारा यहाँ पर ट्रेड प्लान होना चाहिए। अपर साइड का यहाँ पर 700 का लेवल और डाउन साइड में 400 का लेवल, ये हम लोग को मार्क कर लेना है। 44,700 का रेजिस्टेंस होगा, 44,400 का सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, 700 का फ्रेश ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम लोग 44,700 का कॉल बाइंग करेंगे, 45,000 तक टारगेट रखेंगे और एक अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पर प्रीमियम मिल सकती है। अगर इसे डाउन साइड जाना है तो 500 से लेकर के 400 के रेंज में यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, 400 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट और यहाँ पे इसे ब्रेक करेगा तो 44,400 का पुट हम लोग बाइंग करेंगे और टारगेट हम लोग का साइकोलॉजी लेवल होना चाहिए 44,000 का। कल मार्केट को देखते हैं कहाँ पे जाती है, अपर लेवल टच करती है 45,000 या फिर 44,000, कल मार्केट के लिए डिसाइडिंग डे होगा। आज ही मार्केट डिसाइड करता है अगर कहीं पे थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल के नीचे क्लोज करती या तो 44,500 के नीचे क्लोज कर जाती आज या फिर यहाँ पर 45,000 के ऊपर क्लोज करती तो फिर हम लोग का एक डिसाइडिंग ट्रेंड होता कल के लिए कि मार्केट कल अपर साइड में मूव करेगा या फिर डाउन साइड में मूव करेगा। मार्केट आज भी कंफ्यूजिंग जगह पर क्लोजिंग किया है। मार्केट के लिए ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज मार्केट यहाँ पर क्लोज कर गया कंफ्यूजिंग जगह पर, थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल के आसपास में क्लोज किया है तो ये लेवल थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो अभी हम लोग का क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, जब तक मार्केट फ्रेश यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं देगी 44,400 के लेवल तब तक कोई हम लोग डाउन साइड का ट्रेंड नहीं बनाएंगे या फिर 44,700 के लेवल का ब्रेक करेगा तो फिर अपर साइड का हम लोग का ट्रेड बनेगा। ये 300 पॉइंट का रेंज है, मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में होने वाला है, यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, हमारा एसएल खाएगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फाइनली एक दो एसएल हिट होगा और हम लोग यहाँ पर क्लोज अपना सेटअप क्लोज करेंगे, इसलिए बेहतर है हमारा लेवल क्रॉस हो जाने दे तो ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो हम लोग एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हम लोग को थोड़ा सा प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज होने देना है, इसके बाद ही हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई होप शेयर पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। निफ्टी आज थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन में ट्रेड किया तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, रेंज में ट्रेड किया लगभग 50 पॉइंट के रेंज में, मार्केट अप डाउन निफ्टी अप एंड डाउन करते रहा। निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होगी और बैंक निफ्टी को वेडनेसडे को होगी। अभी यहाँ पर देखेंगे अपर साइड का रेंज है 19,600 और डाउन साइड का लेवल है 19,000
19,500 से लेकर के 525 से लेकर के 500 का ये सपोर्ट एरिया है। अपर साइड में 600 का सपोर्ट एरिया है। 600 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा ये बाइंग में चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट 19,700 का होना चाहिए। अगर ये डाउन साइड में इसको आना है तो फिर 19,500 का लेवल यहाँ पर ब्रेक डाउन होना चाहिए, तो फिर एक अच्छा स्पेस हम लोग को मिल जाएगा। 19,425 का फर्स्ट टारगेट होगा और 19,375 का सेकेंड टारगेट होगा, तो एक अच्छा स्पेस दिख रही है। उसके लिए हमारा लेवल ब्रेक डाउन होना चाहिए, साइकोलॉजी लेवल 19,500 का लेवल ब्रेक डाउन होना चाहिए, तो फिर हम लोग को एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। ये लेवल 100 पॉइंट 75 पॉइंट का लेवल है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन एरिया होने वाला है, नो ट्रेडिंग जोन है, तो इस रेंज से हम लोग दूर रहें जब तक हमारा लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद एटलीस्ट हमें 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई होप इस हर पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।